हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मैं पूजा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी नहा धो के मैं आई हूँ। ठंड बहुत लग रही है क्योंकि यहाँ पे भी दो तीन दिन से ठंडी बहुत हो गई है। और गांव में तो बारिश हो रही है मगर यहाँ बारिश नहीं हो रही है, ठंड बहुत हो रही है। हाथ पाँव एकदम ठंडा ठंडा सा हो रहा है। तो बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए हैं। इस टाइम पे तो बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को यहाँ ठंड पड़ रही है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रहा है और दो दिन हो गया बच्चों का स्कूल भी बंद हो गया है। अभी देखिए 31 तारीख तक का डेट दिया है, देखिए कब खुलता है कब नहीं। और अभी ऑनलाइन क्लास वापस चालू हो गई है तो थोड़ा पेरेंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है जब ऑनलाइन क्लास चालू हो जाती है, तो क्योंकि उनका क्या होमवर्क आ रहा है क्या नहीं सब कंप्लीट करवाना पड़ता है और सब ध्यान में सब रखना पड़ता है, क्या करना है कैसे करना है, कब फोटो सबमिट करना है भी व्हाट्सएप पे, कितने बजे से क्लास है। स्कूल बच्चे जाते हैं तो सुबह ही निकल जाते हैं तो टेंशन नहीं रहता है अपना, दोपहर तक आते हैं तो जो रहता है वही कंप्लीट करवाना रहता है। मगर दोस्तों अभी स्कूल बंद हो गया है तो हम लोगों की प्रॉब्लम बढ़ गई है पेरेंट्स की। ऐसा तो यहाँ पे तो सभी स्कूल बंद हो गए हैं लगभग, बड़े बच्चों का भी 15 दिन के लिए बंद ही कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ कैसा है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी बच्चे घर पे ही हैं और बच्चे घर पे होते हैं तो काम भी ज़्यादा होता है और फरमाइश भी ज़्यादा होती है। तो अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग कम शेयर करना पड़ेगा, रेसिपी ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ लगा के रखते हैं, ये बनाओ मम्मा वो बनाओ ऐसा वैसा तो चालू ही रहता है। तो अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग कम रेसिपी ज़्यादा शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मैं अभी अपनी बेटी उस कान से मिला रही हूँ, उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो गया तो वो रेडी हो रही है। हेलो बोलो बेटा। हेलो। और वो दोनों तो रेडी हो गए हैं, बाबू का तो 4 बजे से है तो वो थोड़ा लेट से जाएगा। तो ये तीनों चली जाएंगी, इन तीनों का 3 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है ट्यूशन। तो फ्रेंड्स, बच्चों का जो भी, आप लोग भी अपने बच्चों का जो ट्यूशन क्लास चल रही है उसको मत बंद कीजिएगा क्योंकि स्कूल भी बंद हो जाता है और ट्यूशन भी हम बंद कर देते हैं तो बच्चे इतना जल्दी मैनेज नहीं कर पाते, फिर बाद में उनका इतना ज़्यादा होमवर्क हो जाता है कि फिर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर आगे चल के टेस्ट में उनको प्रॉब्लम होती है। तो स्कूल भले बंद हो जाए मगर कोचिंग क्लासेस चालू रखेंगे तो अच्छा है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि वहाँ से जो आता है वो इनकी टीचर कंप्लीट करवा के रखेंगी तो जब स्कूल खुलेगा तो ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, बड़े बच्चे तो किसी तरह से मैनेज कर ले रहे हैं मगर छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल बंद होने की वजह से। वो स्कूल में जाते हैं तो कम्फर्टेबल भी रहते हैं और उनका सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका होमवर्क अच्छे से हुआ रहता है तो वो उस हिसाब से मैनेज करते हैं, उनकी मैम जैसे समझाती है उस हिसाब से। और ऐसे बीच बीच में स्कूल बंद हो जाता है, 2 साल कोरोना की वजह से स्कूल ही नहीं जा पाए हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोग भी अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें इस समय पे फ्रेंड्स, और बच्चों को पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दें क्योंकि अगर बंद कर देंगे तो आगे चल के हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फिर बच्चों की क्लास तो बढ़ती जाएगी क्योंकि हम फीस भरेंगे तो क्लास बढ़ती जाएगी, और अगर क्लास बढ़ी और बच्चे पढ़ने में पीछे रह गए तो दोस्तों बच्चे बहुत ही पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि बच्चों के पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें घर पर, और आसपास में अगर आपके मतलब टीचर हैं ट्यूशन जो ले सके या मतलब घर पे आके लें या उनके पास ही भेजें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर माँ बाप तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं अपने बच्चों को घर पर ट्रेन कर सके। तो फ्रेंड्स, ओके, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बाय बाय।